दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे काला की, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार का शानदार नया वेब सीरीज है। और इस वेब सीरीज में हवाला की बात की गई है। अब हवाला होता क्या है, हवाला रैकेट कैसे काम करते हैं, ये पूरी स्टोरी में खास तौर पर दिखाया गया है। और हवाला में भी रिवर्स हवाला जो है वो इस स्टोरी का सबसे मेन पॉइंट है। तो चलिए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि असल में हवाला होता क्या है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हवाला बेसिकली बिना बैंकिंग सिस्टम में आए हुए एक देश या एक जगह से दूसरी जगह पर पैसों के लेन देन को हवाला कहते हैं। मान लीजिए इसे ऐसे कि दो कैरेक्टर हैं, एक है सपोज एक ऋतिक है, उसे अपने किसी दूसरे जानने वाले या किसी दूसरे दोस्त नमन को पैसे भेजने हैं। अब ऋतिक बैठा हुआ है कहीं किसी और देश में, उसे किसी और देश में नमन को पैसे भेजने हैं। अब ये पैसा बैंकों के जरिए लेन देन से नहीं आएगा, होगा ये कि ऋतिक अपने एक दोस्त को जो कि हवाला ट्रेडर होगा उसे पैसे देगा किसी और देश में, और उसका कोई एजेंट जो कि नमन के देश में बैठा होगा वो नमन को अपना कमीशन काट के पैसे उसी देश में दे देगा। अब होता यह है कि इसके लिए बाकायदा वो एक मोटा कमीशन लेता है और ये पैसा कहीं किसी बैंक में नहीं जाता है। अब ये पैसा कई जगहों से इसी तरह से कैश के फॉर्म में या फिर कई बार गोल्ड के फॉर्म में घूमता घूमता पहुंचता है। अब ये काम भी बड़े इंटेलिजेंट तरीके से करते हैं दोस्तों। हवाला रैकेट के जो एजेंट्स होते हैं बड़े शानदार तरीके से ये लोग काम करते हैं। जो पैसे भेजता है वो एक OTP उसके पास होता है, कई बार ये सीरियल नोट का नंबर होता है, कई बार ये फोन नंबर होता है या कई बार कुछ और भी हो सकता है। तो वो नंबर जो रिसीवर होता है, जिसे मान लीजिए कि हमारे केस में नमन है, नमन को पैसे रिसीव करने हैं, वो कोड उसे बाकायदा उस एजेंट को बताना होगा। और जैसे ही वो कोड मैच होगा एजेंट, हवाला एजेंट जो है वो नमन को पैसे दे देगा। तो ये तो हुई हवाला की बात। बेसिकली इसे ब्लैक मनी के तौर पर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सिस्टम में इन पैसों को आप रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए जो ऐसे ब्लैक मनी के डीलर्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आइए समझते हैं कि रिवर्स हवाला क्या होता है। तो रिवर्स हवाला में सबसे पहले तो ब्लैक के पैसे नहीं होते हैं, वाइट के पैसे होते हैं, उन्हें ब्लैक किया जाता है। पिछले केस में हमने देखा था कि ब्लैक पैसों को देश में भेजा जाता है इलिसिट तरीके से, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है। यहाँ पर ऐसा है कि वाइट पैसा उसे ब्लैक तरीके से भेजा जाएगा। अब ये ब्लैक से क्यों भेजा जाएगा, सपोज मान लीजिए कि एक आदमी है हिंदुस्तान का जो कि किसी गल्फ कंट्री में नौकरी करता है, अब वहाँ उसे पैसे मिलते हैं, वो अगर हिंदुस्तान में उसे बैंकिंग सेक्टर से भेजेगा, बैंकिंग सिस्टम से भेजेगा, तो उसे एक एक्सचेंज रेट के तहत पैसे कट होंगे उसके, जो कि बैंक चार्ज करते हैं। लेकिन यही पैसा अगर हवाला सिस्टम के जरिए आएगा तो हवाला एजेंट जो है वो उसमें बैंकिंग सिस्टम से ज़्यादा पैसे उसे दे देगा, यानी कि जो सेंडर है मनी का गल्फ कंट्री में बैठा हुआ उसे फायदा होगा। अब उसके लिए बाकायदा ये क्या करेगा कि अपने एजेंट को वहाँ फ़ोन करेगा गल्फ में, गल्फ वाला एजेंट उनका पैसे रिसीव करेगा, और यहाँ पर जो भी सेंडर है हिंदुस्तान में उसके परिवार को या उनके जानने वालों को ये पैसे दे दिए जाएंगे। ये जो एजेंट है ये दे देगा, बैंकिंग सिस्टम से थोड़े ज़्यादा दे देगा, लेकिन ये पूरा पैसा, क्योंकि गल्फ में जो आदमी है मेहनत कर रहा है उसने तो वाइट पैसे कमाए हैं, मेहनत से कमाए हैं, उसके पैसे ब्लैक हो जाते हैं। इसमें होता ये है कि इनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, लेकिन ये पूरा का पूरा पैसा ब्लैक मनी में चला जाता है, बैंकिंग सिस्टम में कहीं आता ही नहीं। अब ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से जो पैसा इनके पास गल्फ कंट्रीज में है, वहाँ सोना सस्ता है, ये लोग सोना वहाँ से खरीदते हैं और उसे गलत तरीके से स्मगल करके किसी तरीके से हिंदुस्तान लेके आते हैं, उसी पैसे का सोना हिंदुस्तान लाते हैं और यहाँ महंगे दामों पर वो सोना बेचा जाता है। तो इस तरह से पूरा जो वाइट का पैसा है वो ब्लैक हो जाता है। ये होता है रिवर्स हवाला। जो वेब सीरीज आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की काला, उसमें यही मेन पॉइंट है, जहां पर एक आर्या नाम का शख्स है जो कि बहुत पावरफुल है और वो हिंदुस्तान से रिवर्स हवाला के जरिए पैसे भेजता है बांग्लादेश। अब वो बांग्लादेश किस लिए भेज रहा है, इन पैसों से क्या होने वाला है, इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर ऋत्विक।
और ऋत्विक ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इन पैसों से, जो कि छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये करीब 14,000 करोड़ रुपए हैं। अब भारत से, हिंदुस्तान से, इंडिया से इतने पैसे आर्या 14,000 करोड़ रुपए रिवर्स हवाला के जरिए बांग्लादेश में क्यों भेजना चाहता है? क्या वहां से कुछ स्मगल करके आने वाला है, हथियार आने वाले हैं, या फिर कोई टेररिस्ट आउटफिट से जिसका इस्तेमाल उन वो लोग करने वाले हैं? ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करता है ऋत्विक, और इस पूरे मामले को, रिवर्स हवाला को वो किस तरह से लोगों के सामने लाता है, ये मेन कहानी है। तो इस वीडियो का मतलब ये है, मकसद ये था कि भाई काला वेब सीरीज तो लोग, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं और रिवर्स हवाला के इस पूरे सिस्टम को समझ भी रहे हैं। जब आप इस वेब सीरीज को देखेंगे तो आप पूरी तरह से इसे समझ जाएंगे कि ये कितनी शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो अब अगली बार इस वीडियो के बाद अगर आपको हवाला या कहीं से रिवर्स हवाला के बारे में आप सुने तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई हवाला में कैसे काम होता है और रिवर्स हवाला में कैसे वाइट के पैसों को ब्लैक किया जाता है। वीडियो अगर अच्छे लगे तो शेयर कर लीजिएगा, और काला अगर आपने भी देखी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।